दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो फिश आप मेरे सामने देख रहे हो ये ब्लू डायमंड एंजल है। अभी ये थोड़ा स्ट्रेस में है और ये फूड के लिए ऊपर आ रही है। बाकी इसको ब्लू डायमंड एंजल बोलते हैं। बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि एंजल मर जाती है, एंजल फिश बहुत जल्दी मर जाती हैं कुछ लोग ये कहते हैं। देखिए एंजल के लिए मैं आज आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, आपके जो टैंक का पानी हो वो स्टिल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो लोग ये सोचते हैं या मिथ है कि एंजल फ़िश बहुत जल्दी मर जाती है, वो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। अगर आपने जो फ़िश परचेज़ करी है वो बिल्कुल एक्टिव है और उसके अंदर कोई फंगस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, प्रॉपर फीडिंग ले रही है, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि आपकी एंजल फ़िश मर जाती है। अब आप देखिए ऊपर आ रही है फीडिंग के लिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें, थोड़ी सी मेच्योर लें एंजल जो आप लें। देखिए एंजल के लिए सबसे पहली बात कि हमें टैंक कितना चाहिए। कुछ लोगों को शौक होता है कि हमें एंजल फ़िश पालनी है, तो पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमें टैंक कितना बड़ा चाहिए। अगर आपके पास 2 फीट का टैंक है तो भी आप एंजल फिश आराम से रख सकते हैं। दूसरी बात कि क्या ये प्लांटेड टैंक में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हैं, पूरा एक्टिवली ये रहेगी। देखिए एंजल के लिए अब सेकंड चीज़, आपकी जो टैंक में आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं कोशिश करें कि उसमें वेव्स बहुत कम हों, यानी कि जो पानी के अंदर वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो बहुत तेज़ होने की वजह से इसकी बॉडी सेंसिटिव होती है, तो उससे मछली परेशान हो जाती है, स्ट्रेस में हो जाएगी, फिर खाना छोड़ देगी और फिर धीरे धीरे मर जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें आपके पानी जो है वो स्टिल रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। दूसरी बात, आप इसको फीड क्या करेंगे। देखिए मार्केट में बहुत तरह का खाना है, तो हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि हकानी कंपनी का बाइट्स आता है, हकानी बाइट्स, HAQQANI, हकानी बाइट्स, आप वो फूड इस पर इनको फीड कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग, अगर किसी को बजट प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग स्पेशली एंजल हाइप्रो आता है, वो भी हकानी ब्रांड का, तो आप वो फीड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल स्टिल है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी पानी में वेव्स नहीं है, मछली आराम से घूम रही है। कोशिश यही करें कि उसमें ऑक्सीजन बॉल लगा दें। अच्छा बहुत लोग की ये बॉल क्या होती है, ये चीज़ है, ये आपके पानी में ऑक्सीजन जनरेट करती है। तो जितने भी लोगों के पास फिश टैंक है, वैसे तो उनके फ़िल्टर से भी होता है, फ़िल्टर के अंदर भी एयर पाइप होता है जो उसको ऑक्सीजन देता है, लेकिन फिर भी आप लोग ये ऑक्सीजन बॉल डाल लीजिए करें, इससे और मछली को थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर पानी के अंदर मिल जाता है। दूसरी बात, इसका जब सर्विस आप लोग करते हैं कि लोगों को वह पानी गंदा हुआ एकदम चेंज कर दिया, देखिए आपका फ़िल्टर है छोटा, आपने 4 फिट के टैंक में लगा लिया या आपने 2 फिट के टैंक में लगा लिया, फ़िश आपकी बड़ी बड़ी हैं, वो जो गंदगी एक्सक्रीट कर रही हैं उसकी क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा खाएंगी, ज़्यादा गंद करेंगी, लेकिन आपका फ़िल्टर छोटा है, फिर लोग कहते हैं हमारा टैंक गंदा हो रहा है। देखिए जब भी आप खरीदें फ़िल्टर तो अपने टैंक के साइज़ को देख कर खरीदें। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि किस टैंक में कितना, किस टैंक के लिए कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप लोग वाटर चेंज करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि पानी जब भी आपको चेंज करना है तो इसका 50% पानी चेंज करना है। अगर आपको लगा कि 50% चेंज करने के बाद भी पानी में भी क्लियरिटी नहीं है तो 3 दिन बाद फिर कर दीजिए, ऐसे 2-3 दिन बाद फिर कर दीजिए, आपका पानी पूरा चेंज हो जाएगा। बट एक सिंगल शॉट में सारा पानी चेंज करना कोई समझदारी नहीं है। ये आप देख सकते हैं हमारी इंजल्स कितनी एक्टिवली घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी कितना स्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं है, हमने इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पानी ऊपर हिल रहा है लेकिन नीचे से पानी सारा स्टेबल है। तो ये ब्लू डायमंड एंजल है। अब कि इसके टैंक मेट्स कौन से हैं, देखो मैं इसको फीड अगर करना चाहूँ तो धीरे धीरे फीडिंग के लिए ऊपर आना चाह रही है, अभी थोड़ा सा वीडियो की वजह से स्ट्रेस में आ जाती है फिश। दूसरी बात, इसको हमने कैसे मेंटेन करना है, क्या इसके टैंक मेट्स रहेंगे, मैं आपको टैंक मेट भी बता देता हूँ इसके। देखिए गोल्ड फिश के साथ आप ना रखें, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एंजल बहुत सेंसिटिव फिश है, वो बात ठीक है, लेकिन ये एग्रेसिव भी हो जाती है, बहुत सी बार लड़ना भी शुरू कर देती है। तो एंजल अगर आपकी बड़े साइज़ की है, मेच्योर साइज़ की है, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप इनको कोई कार्प के साथ रख लें, टिन फॉइल के साथ भी रख सकते हैं, टाइगर शार्क के साथ रख सकते हैं, मिल्की के साथ रख सकते हैं, रेड कैप के साथ रख सकते हैं, गुरामी के साथ रख सकते हैं, नॉर्मल वाली गुरामी, जाइंट गुरामी नहीं, जो लोकल गुरामी आती है उसके साथ भी आप इनको रख सकते हैं। बाकी और जितनी भी सॉफ्ट वेराइटी अगर आपको लगता है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपकी फिश ज़्यादा तंग करती है उसको अलग कर दीजिए करें पार्टीशन डाल के। पार्टीशन कैसे डालते हैं उसका मैं एक ईजी तरीका आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा। बाकी ये है ब्लू डायमंड एंजल, आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे मैंने आपको बता दिए। एक चीज़ और, इनको 2-3 दिन में एक बार आप ट्यूबीफेक्स वॉर्म जरूर फीड करा करें, और ट्यूबीफेक्स वॉर्म कैसे फीड करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ लीजिए। और ये आपकी ब्लू डायमंड एंजल फिश है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि टैंक साइज़ क्या रखना है, फीडिंग क्या करनी है, पानी कैसे चेंज होगा, और इसके टैंक मेट्स कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और पानी की जो क्वालिटी वो हमेशा मेक श्योर कि पानी में लहरें वेव्स ना हो ज़्यादा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना आपको भूलूँ, ज़्यादातर जो आपकी लाइट है उसको बंद रखा करें, जो आपकी लाइट होती है उसको बंद रखा करें, स्पेशली शाम में जला लिया करें, बाकी जब रात को आप लोग
बिल्कुल नाइट टाइम होता है, सोने लगता है कोई, तो फिर तो स्पेशली आप इसकी लाइट बंद कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।